चीन के सामानों की बैन करने की मांग कर रहे ये लोग बेहद गुस्से में हैं। दरअसल पुलवामा सहित भारत में कई आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया, जिसके बाद से पूरे देश में चीन के सामानों को भारत में बैन करने की मांग की जा रही है। आज हम लोगों ने चाइना सरकार का पुतला फूंकने का काम किया, क्योंकि जिस तरह से चाइना आतंकवाद का पोषक देश है, मसूद अजहर को जिसने कल वीटो पावर लगा के उसने बचाने का काम किया, आज नाराजगी की वजह से आज हम सब लोगों ने सड़कों पर निकलकर आम जनमानस से और दुकानदारों से अपील की है कि न आप चाइना का कोई सामान खरीदे और न कुछ चाइना का सामान बेचे, और आर्थिक रूप से चाइना को तोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर करने का काम करेंगे, और भारत सरकार से अपील करते हैं कि चाइना के सामान प्रतिबंध लगाने का काम करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश के कोने कोने में आतंकी मसूद को बचाने के लिए चीन का विरोध किया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विचारक इंद्रेश कुमार ने भी चीनी सामानों का भारत में बिक्री का विरोध किया है। ऐसा है ...1954 में पंडित नेहरू जी के द्वारा पंचशील समझौता करने से चीन के प्रति की गलतियों का शुभारंभ हुआ। उसके बाद उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, फिर सुरक्षा परिषद में उनको स्थान दिलवाया, और 62 में चीन ने हमला करके कांग्रेस, पंडित नेहरू और देश से एक धोखा किया, जिसके कारण पंडित नेहरू बहुत दुखी रहे स्वयं। परंतु वर्तमान सरकार ने ऐसी कोई गलती ना दोहराते हुए पहले चीन को डोकलम से हटाकर हिमालय की सुरक्षा की गारंटी डेवलप की। जब चीन ने ये कहा कि भारत के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री पूज्य दलाई लामा जी तवांग की तरफ नहीं जाएंगे, तो उसको इनकार करते हुए और भारत ने अपनी एक सक्षम नीति का प्रदर्शन किया। चीन ने बहुत कोशिश की थी पुलवामा के बाद वह भारत को रोक सके, पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके और पाकिस्तान को जो सबक देना चाहिए था और विश्व को जो संदेश देना चाहिए था एक सशक्त भारत का, वो दिया। चीन समय समय पर इस बात को बताता रहा है कि वह आतंकवाद का विरोधी नहीं है, आतंकवाद का समर्थक है, और ये कोई नई घटना नहीं है, वो पहले भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता रहा है। अभी उन्होंने मसूद के साथ खड़ा होकर विश्व को एक संदेश दिया है, चाइना डजंट बिलीव इन पीस एंड डेवलपमेंट, चाइना बिलीव्स इन टेरर, टेररिस्ट एंड टेररिज्म, जो चीन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे एशिया के लिए, भारत के लिए और विश्व के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन की ऐसी हरकतों के कारण देश की जनता पिछले अनेक वर्षों से चीनी माल का त्योहारों पर बहिष्कार का आंदोलन चला रही है, और चीन को हजारों करोड़ का चपत लग रहा है। उस सब के बावजूद भी चीन ने आतंकी को और आतंकवाद को समर्थन किया, जो चीन के चरित्र पर भी उंगली उठाता है कि चीन विश्व में शांति चाहता है कि विश्व में रक्तपात चाहता है। और ऐसे समय में उसने पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया है, चाइना डजंट बिलीव इन पीस, हारमोनी, डेवलपमेंट, चाइना बिलीव्स इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट। आरएसएस की आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मंच ने तो मोदी सरकार से चीन का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त करने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारत में बेहद कम टैरिफ लगता है, अब चीन को सबक सिखाने के लिए आयातित सामान पर टैरिफ को तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2017-18 में चीन ने $76.2 अरब के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना था, लेकिन व्यापार की स्थिति पूरी तरह से चीन के पक्ष में जाती है। भारत चीन से करीब $76 अरब की वस्तुओं का आयात करता है, जबकि चीन को केवल $33 अरब का भारत निर्यात करता है।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में मसूद को बचाने के लिए पाकिस्तान का साथ देने के बाद भारत सरकार पर चीन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर काफी दबाव बना हुआ है और कई संगठनों का मानना है कि भारत को चीन के खिलाफ कुछ कड़े आर्थिक कदम उठाने चाहिए। तो वहीं कुछ आर्थिक जानकारों का कहना है कि भारत को सबसे पहले चीन से आने वाले सामान पर आयात शुल्क बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका चीन की एक पक्षीय कारोबार नीतियों का विरोध कर रहा है। इसको लेकर अमेरिका चीन से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ शुल्क को बढ़ा चुका है और अब चीन को सबक सिखाने के लिए भारत में भी अमेरिका जैसा टैरिफ बढ़ाने की मांग की जा रही है।